علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. जी सो सेम लेसन है तआलू नुमथिल कम लेट्स वी एक्ट, ठीक है जी। सो उसका आज पैराग्राफ 5 पेज 84 जी, अपनी बुक्स खोल लें, अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ लिखने की तो वहाँ लिख सकते हैं। पेज तो मैं सिर्फ इसलिए शेयर करता हूँ कि आपको पता हो कि ये वाला पेज है, ठीक है जी। सो पेज 84 पैराग्राफ 5 इस्तमी वफहम, क्या मीनिंग होता है जी इस्तमी वफहम का? लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। इस्तमी वफहम, लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। आगे लिखा जी उर्सुम दायरा हौल अल हर्फ अल मुनासिब, ड्रा द सर्कल अराउंड द सूटेबल वर्ड लेटर। बल्कि तो मकसद ये है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, सेंटेंसेस बनाते हैं इनके, ठीक है। सो पिक्चर्स दी हुई है, इनके सेंटेंसेस बनाते हैं जी, ठीक है। रो वन में ये जोकर है, वो क्लाउन है सारा, तो उसका पहला क्या बनेगा? शाबाश, ये वाला। जी शाबाश, भाई रोप के ऊपर चल रहा है ना, तो हम कहेंगे यमशी अल मुहर्रिज अला अल हबल, यमशी मुहर्रिज अला अल हबल, द क्लाउन इज वॉकिंग ऑन द रोप, ठीक है जी। यमशी मुहर्रिज अला अल हबल, ये इसका बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा जी? ये वाला जो ट्रम्पिट पकड़ा हुआ क्लाउन ने, यगन्नी अल मुहर्रिज, युगन्नी होता असल में सिंगिंग करना, गाना। सो ट्रम्पिट के लिए युगन्नी नहीं ठीक, या तो आप कहें यह आजिफ, या आजिफ का मतलब होता है म्यूजिक प्ले करना, म्यूजिक पर बजाना, ठीक है, यह आजिफ, या फिर आप कह सकते हैं यल अब, यानी कह सकते हैं यल अब मुहर्रिज बिज़म्मारा, ठीक है, या आप कह सकते हैं यह आजिफ मुहर्रिज अज़म्मारा, यह आजिफ मुहर्रिज अज़म्मारा, तो जो ट्रम्पेट है वो जमारा जो है वो ट्रम्पेट बजा रहा है क्लाउन जो है, या फिर कह सकते हैं कि वो ट्रम्पेट से खेल रहा है, तो दोनों हो सकते हैं, यल अब मुहर्रिज बिजमारा या फिर या आजिफ मुहर्रिज अज़मारा, ठीक है जी। चले जीम, नेक्स्ट क्या होगा जी? जीम इसमें क्या कर रहा है मुहर्रिज? इसमें क्या कर रहा है? आप कह सकते हैं यल अब मुहर्रिज मादुब, ठीक है जी, यल अब मुहर्रिज मादुब, या फिर आप कह सकते हैं जी यतकल्लम मुहर्रिज मादुब, वो उससे बातें कर रहा है, उससे खेल रहा है, ये तकल्लम मुहर्रिज मादुब या लब मुहर्रिज मादुब, दोनों ठीक हो सकते हैं। रो नंबर टू में आ जाएंगे, ये तो आसान है, ये बनाए जी, क्या हो सकता है ये? शाबाश, जी बच्चे केक खरीद रहे हैं तो कहेंगे यश्तरी अल औलाद अल काका, यश्तरी अल औलाद अल काका, जुमला फेलिया बनाएंगे क्योंकि अल औलाद प्लूरल है, अगर अल औलाद शुरू में लगाएंगे तो फिर हमें यश्तारून लिखना पड़ेगा, अल औलाद यश्तारून अल काका, ठीक है जी। सो इसलिए जुमला फेलिया बनाएंगे, फेल शुरू में जब आता है तो वाहिद ही आता है, गलती का चांस कम हो जाए, तो हम कहेंगे यश्तरी अल औलाद अल काका, यश्तरी अल औलाद अल काका,
ठीक है जी, बच्चे जो है वो केक को बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अच्छा जी, बा में क्या है जी, अब ये उनके सामने पड़ा हुआ है, अभी खा नहीं रहे, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं यंजुर अल औलाद अल काका, ठीक है जी, यंजुर अल औलाद अल काका, बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, केक को देख रहे हैं। यंजुर अल औलाद अल काका, ठीक है जी। अब जीम में क्या है, वो खा भी रहे हैं, तो जीम में हम कह सकते हैं याकुलु अल औलाद अल काका, ठीक है जी, याकुलु अल औलाद अल काका, बच्चे क्या है केक खा रहे हैं जी, याकुलु अल औलाद अल काका। नंबर थ्री में आ जाए जी, अब ये पिक्चर ले रहे हैं सारे, तो अगर औरत पिक्चर ले रही है तो हम कहेंगे तुरीदु असूरा या तुरीदु असूरा, और अगर मर्द पिक्चर ले रहा है, लड़का पिक्चर ले, तो हम कहेंगे होवा यूरी दो सूरा, सिंपल, ठीक है जी। यूरी दो सूरा टेक अ पिक्चर, और तुरी दो सूरा शी टेक अ पिक्चर। सो हम पहले में कह सकते हैं होवा ही या तुरी दसू, अलबिंत कह सकते हैं, अलबिंत तुरी द सूरा अमाम अल मसबा इन फ्रंट ऑफ द स्विमिंग पूल। यहां पे कह सकते हैं ही या यूरी दो, यानी सॉरी अलवलद यूरीद असूरा अमाम सयारा, और यहाँ फिर कह सकते हैं अलबिंत तुरीदु असूरा अमाम नाफूरा, ठीक है जी, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जिसके सामने खड़ा है उसके अमाम लगा कर दे, स्विमिंग पूल के सामने तो कहेंगे अमाम अल मसबा, और गाड़ी के सामने तो कहेंगे अमाम सयारा, फाउंटेन के सामने तो कहेंगे अमाम नाफूरा, और जो पिक्चर ले रहा है उसके लिए, अगर लड़का ले रहा है तो कहेंगे यूरीद व सूरा, अगर लड़की पिक्चर ले रही है तो कहेंगे तुरीद व सूरा, बस जी। रो नंबर फोर, रो नंबर फोर में ही ये क्या कर रही है जी, केक खा रही है, तो आप कह सकते हैं अल बिंट या अल ताकुलु अल काका, ठीक है जी, वो केक खा रही है, और ये क्या है, लड़का जो है ये केक खा रहा है, तो आप कह सकते हैं याकुलु अल वलद अल काका, या कुल वलद अल काका। और ये क्या है जी, जीम, ठीक है जी, जीम में क्या है, यंजुर अल वलद अल काका, वो केक को देख रहा है, यंजुर अल वलद अल काका। ठीक है जी, चले जी, पैराग्राफ सिक्स आ गया जी। इस्तमे व मैयज, इस्तमे व मैयज का मतलब होता है लिसन केयरफुली एंड डिफरेंशिएट, लिसन केयरफुली एंड डिफरेंशिएट। जी लिसन केयरफुली एंड डिफरेंशिएट, किसका फर्क करना जी, दाल एंड दाद का, दाल एंड दाद, दाल एंड दाद, ठीक है जी। मतलब ये एक ऐसे वर्ड बनाने हैं नीचे जिनके अंदर दाल या ज़ाद यूज हो। इद लिखा इदा कानत अल कलिमा तश्तमिल अला सौत दाल फक्तुब दाल फिल मुरब्बा व्हेन एवर द वर्ड कंसीडरिंग द साउंड ऑफ दाल सो राइट दाल इन द बॉक्स। व इदा कानत अल कलिमा तश्तमिल अला सौत ज़ाद फक्तुब ज़ाद फिल मुरब्बा एंड व्हेन एवर द वर्ड कंसीडरिंग द साउंड ऑफ ज़ाद सो राइट ज़ाद इन द बॉक्स। वर्ड में दाल आ रहा है तो दाल को हाईलाइट करेंगे बॉक्स में, और दाद आ रहा है तो दाद को हाईलाइट करेंगे बॉक्स में जी। ये फर्स्ट पिक्चर किसकी है जी, एग की, क्या बोलेंगे इसको, बैदतुन, बैदतुन, बैदा, 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 दाद आएगा या दाल, दाद, दाद, तो इसके बॉक्स में आप लिख देंगे दाद, बैदा किससे है, दाद से, और इसका प्लूरल यह है बैद आता है, ठीक है जी, बैद और बैदा। अच्छा जी नंबर टू, इसको क्या बोलेंगे जी, वर्दा, वर्दा, वर्दा तुन, वर्दा, तो वर्दा में जो है वो दाल है या दाद, दाल, दाल, वर्दा, ठीक है जी, तो वर्दा में क्या है, दाल। नेक्स्ट है नंबर थ्री, ज़फ़दा, ज़फ़दा, ज़फ़दा में दाद है या दाल, दाल और दाल दोनों है सर, दाद और दाल दोनों है, ज़फ़दा में दाद और दाल दोनों आ जाते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, दाद भी चलेगा दाल भी चलेगा, वो दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है जी, ज़फ़दा, दाद एंड दाल,
दोनों ही आते हैं जी इसमें। अच्छा जी अब चले जी नंबर फोर जो है ये क्या है जी? हिजा जदीद। हाँ हिजा, उन हिजा में तो जाल है, शूज है। उसने हमें कहा है जी जाद या दाल यूज करें, तो हम क्या कर सकते हैं, सर जदीद हम जदीद इसको कह सकते हैं हिजा जदीद, तो दाल आ गई, या फिर हिजा उन कदीम, अगर आपको पुराने लग रहे हैं तो आप कदीम कहेंगे, कदीम में भी दाल आती है, और अगर आपको न्यू लग रहे हैं तो जदीद कहेंगे, तो जदीद में भी दाल आती है, और अगर इनका आपको कलर ब्लैक लग रहा है तो आप फिर हिजा उन अस्वद भी कह सकते हैं, हिजा उन अस्वद ब्लैक शूज, अस्वद में भी दाल आ गए, तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक, टीचर कोई भी गलत नहीं करेगा अगर सिचुएशन के मुताबिक आप सेंसेबल जवाब देते हैं, हिजा अस्वद भी ठीक है, ब्लैक शूज लग रहे हैं, हिजा जदीद भी ठीक है, लेकिन कदीम मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा, पुराने नहीं है, ताहम अगर कोई कदीम भी लिख सकता है तो कोई मसला नहीं है, दाल तो आ गई ना उसमें। चले नंबर फाइव ये क्या है जी? दबाबा। दबाबा, दबाबा किसे बोलते हैं जी? आर्मी टैंक। टैंक को दबाबा, टैंक टैंक, ये दाल से या वाद से? दाल दाल से, दबाबा किसे है? दाल से, बिल्कुल ठीक है जी। जी अब इसका क्या करना है जी नंबर सिक्स? ये क्या है सर? हिसान। हिसान तो ठीक है, सौद के साथ है, दाद और दाल का क्या करना है? सर ज़ाइफ कह सकते हैं। हिसान ज़ाइफ, हाँ ठीक है कह सकते हैं, लेकिन कमजोर तो नहीं है यार, ये तो भाग रहा है, ठीक है लेकिन आप कह सकते हैं यरकुज, अल हिसान यरकुज, ठीक है जी, जो घोड़ा इधर उधर भागता है, पांव मारता है ना, उसको बोलते हैं यरकुज, हिसान यरकुज, ठीक है। सो घोड़ा भाग रहा है, इस तरह का माना हो सकता है, द हॉर्स इज रनिंग, ठीक है, यरकुज क्या होगा? यरकुज, या रा काफ दाद, यरकुज लिखने साथ आपको ये भूल जाएगा, आप यरकुज इसके साथ यूज कर सकते हैं, या रा काफ दाद, हिसान यरकुज, यरकुज का मतलब क्या है? घोड़े का भागना, पांव मारना, उसको बोलते हैं यरकुज, ठीक है जी। चलें जी नेक्स्ट पेज पे आ जाए जी। जी नेक्स्ट पेज में क्या है जी? पैराग्राफ सेवन है जी, पेज 85, पैराग्राफ सेवन है जी, इकरा, इकरा टॉपिक है, इकरा, इकरा मतलब क्या है? रीड, रीड करें, पढ़ेंगे इसको, स्टडी करेंगे इसकी, ठीक है जी। क्या रीड करना है जी? लिखा है जी काकतुल जजर, टॉपिक क्या है? काकतुल जजर, काकतुल जजर किसे कहते हैं जी? क्या मीनिंग होगा काकतुल जजर का? जजर किसे कहते हैं, काका किसे कहते हैं? दोनों को मैच करेंगे तो नेम बन जाएगा, कैरेट केक, कैरेट केक, बिल्कुल ठीक है, काकतुल जजर, कैरेट केक, जजर कैरेट को बोलते हैं, काका केक को, तो काकतुल जजर यानी कैरेट केक। तो कभी बनाया है या खाया है जी कैरेट केक? हैं? वो किसी ने कोई केक, ये कैरेट केक कभी खाया हो या बनाया हो? मैंने तो कभी नहीं देखा, ये पता नहीं होता भी है कि नहीं, ये कैरेट केक जी सर देखा है, बस देखा है, चलो मैंने देखा भी नहीं है। अच्छा चले, वो किताब वाला कहता है तो मान लेते हैं जी कैरेट केक भी होता है। देखिए जी अमल तो हिब्बु अल हलवा, अब ये क्या है, छोटी सी एक स्टोरी है, लिखा है खमसीन कलिमा, यानी 50 कलिमा, 50 वर्ड की एक छोटी सी स्टोरी है। क्या? अमल तो हिब्बु अल हलवा, अमल लाइक्स द स्वीट्स, तो हिब्बु सेकंड पर्सन फीमेल के लिए आता है, थर्ड पर्सन फीमेल के लिए, अमल तो हिब्बु अल हलवा, अमल लाइक्स द स्वीट्स, हिया तश्तरी किताबन, जी इसका मीनिंग क्या होगा? हिया तश्तरी किताबन, शाबाश, She is buying the book. She is buying a book. A book. Da book. नहीं. Al किताब होता तो da book कहते, किताबन a book. Ya tashtari kitaban. She is buying a book. Ismuhu his name. किसका name? किताब का. ठीक है? Ismuhu his name. ये जो pronoun है who, ये किसके लिए? किताब के लिए. So, his name यानी name of book. क्यों किताब का नाम होगा? इसलिए कि अमल खुद तो जो है वो फीमेल है ना, तो हुज़ मीर मुदक्कर के लिए आ रही है, तो मुदक्कर तो अभी तक सिर्फ इसमें से किताब ही गुजरा है,
ठीक है जी. सो इस्मुहु हिज नेम यानी नेम ऑफ किताब नेम ऑफ बुक इज कैफा तस्नाइना तआमन लदीदन. ये इस किताब का नाम है. क्या बड़ा लंबा नाम है. कैफा तस्नाइना तआमन लदीदन जी क्या मीनिंग बनता है इसका. हाउ टू कुक डिलीशियस फूड. हां हाउ टू शाबाश. क्या वर्ब क्या यूज किया आपने. हाउ टू सर हाउ टू कुक डिलीशियस फूड. हां डिलीशियस फूड हाउ टू कुक. ठीक है कुक भी मीनिंग से लेकिन तस्नाइना का मीनिंग असल में होता है मेकिंग बनाना. मर्द होगा तो उसे कहेंगे तस्नाओ यू आर मेकिंग और औरत होगी तो कहेंगे तस्नाइना. ठीक है जी यू आर मेकिंग सेकंड पर्सन है ये फीमेल के लिए तस्नाओ सेकंड पर्सन मेल के लिए और तस्नाइन सेकंड पर्सन फीमेल के लिए. सो मीनिंग बन जाएगा कैफा तस्नाइना हाउ विल यू मेक तआमन लदीदन टेस्टी फूड डिलीशियस फूड. केक नहीं ताम यानी मतलब ये जिस तरह की बुक होती है ना वो रेसिपीज वाली कुकिंग वाली किताब वही है उसी तरह की कोई कुकिंग रेसिपीज वाली किताब. ठीक है जी. सो उसका नाम ये है कैफा तस्नाइना तआमन लदीदन हाउ विल यू मेक डिलीशियस फूड हाउ विल यू मेक तआमन लदीदन डिलीशियस फूड टेस्टी फूड. आप मज़ेदार खाना कैसे बना सकती हैं. मीनिंग क्या बनेगा आप मज़ेदार खाना कैसे बना सकती हैं जी. किताब वो खरीद रही है अब क्या करती है अमल तफ्तहु अल किताब व तक़रा. क्या मीनिंग होगा जी अमल तफ्तहु अल किताब व तक़रा. अमल ओपन द बुक एंड शी रीड. अमल ओपन द बुक एंड शी रीड. ठीक है जी अमल किताब खोलती है और उसे पढ़ती है. क्या पढ़ती है काहकतुल जज़र कैरेट केक. उस किताब में से कैरेट केक का टॉपिक निकाल के वो क्या करती है पढ़ती है. अमल तफ्तहु अल किताब अमल ओपन द बुक व तक़रा एंड शी रीड काहकतुल जज़र कैरेट केक. ठीक है जी उसको पढ़ती है. पढ़ने के बाद अब क्या है जाहिर है उसको वो बनाना शुरू करना चाहती है तो कैसे करती है जी. लिखा जी सतस्नाउ अमल काका लजीजा जी. इसका मीनिंग क्या होगा सतस्नाउ अमल काका लजीजा. अमल इज मेकिंग द डिलीशियस केक. सतस्नाउ असल में आ गया मेकिंग नहीं अब फ्यूचर का मीनिंग करें. जब मुजारे के शुरू में सीन आ जाता है ना वर्ब जो मुजारे का वर्ब होता है उसके शुरू में सीन लग जाए तो वो उसको फ्यूचर में कर देता है. सतस्नाउ शी विल मेक ये मीनिंग होगा. अमल अमल आया तो कहेंगे अमल विल मेक काका लजीजा डिलीशियस केक यम्मी केक टेस्टी केक. ठीक है जी अमल क्या करने लगी है जी केक बनाने लगी है जी. तो अमल विल मेक काका लजीजा डिलीशियस केक. हेया तो हजारू शी ब्रिंग्स हेया तो हजारू शी ब्रिंग्स वो लाती है पेश करती है. ठीक है जी क्या अद्दकीक वल बैज वल सुकर वल जजर वल्लैमून जी. सारी चीज़ों के नाम आपको आते हैं करें जी ट्रांसलेशन. दकीक वल बैज वल सुकर वल जजर वल्लैमून. शी ब्रिंग्स द फ्लावर एंड द एग एंड द शुगर एंड द कैरेट एंड द लेमन. लेमन वो क्या फ्लावर और एग्स और शुगर और कैरेट और लेमन जो है वो क्या करते हैं शी ब्रिंग्स ये चीजें लाती है. ठीक है जी ये चीजें ला ली अब क्या है अमल ताजा उल्का का फिल फुर्न वो केक शेक बना के क्या करती है ताजा उल्का का फिल फुर्न वो उसको करती है फिल फुर्न. फुर्न किसे बोलते हैं जी ओवन. हाँ ओवन. अमल ताजा उल्का का अमल पुट्स द केक फिल फुर्न इन द ओवन. फुर्न असल में बोलते हैं फर्नेस को तो जो ओवन होता है वो भी एक फर्नेस ही होता है लेकिन जरा छोटे साइज का होता है इसलिए उसको भी फुर्न कह सकते हैं. तो फुर्न का मीनिंग आप ओवन कर सकते हैं. ठीक है जी अमल ताजा उल्का का फिल फुर्न अमल पुट्स द केक इन द ओवन. हिया तंतज़िरु क़लीलन हिया तंतज़िरु शी वेट हिया तंतज़िरु शी वेट क़लीलन फॉर अ वाइल फॉर अ लिटिल वाइल. उर्दू में कहेंगे वो थोड़ी देर इंतजार करती है. हिया तंतज़िरु क़लीलन वो थोड़ी देर इंतजार करती है. शी वेट फॉर अ लिटिल वाइल व तफ्तहु अल फुर्न एंड शी ओपन द ओवन. तफ्तहु अल फुर्न एंड शी ओपन द ओवन जी. तंजुरु अमल इलल काका
क्या मीनिंग होगा जी? तंजुरु अमल इलल काका, अमल केक को देख रही है। हाँ अमल केक को देखती है, शी लुक एट द केक, अमल लुक एट द केक, तो लौनुल काका अस्वद, लौनुल काका अस्वद जी, क्या मीनिंग होगा? पिक्चर में देखिए आपको नजर आ रहा है द कलर ऑफ केक इज ब्लैक, केक कलर ऑफ केक इज ब्लैक का मतलब क्या है कि केक जल गया है, ठीक है ना, देखिए ना ये इसकी शक्ल, वो धुआं भी निकल रहा है, तो लौनुल काका अस्वद द कलर ऑफ केक इज ब्लैक, केक तो काले रंग का बन गया जी, व राइहतुहा कबीहा, इसका मीनिंग क्या होगा? Its smell is bad. Yes, and her smell is bad. बिल्कुल ठीक है जी, हर स्मेल इट्स भी कह सकते हैं, हा असल में मकसद ये है कि हा मोनस की जमीर है और ये का चूंकि मोनस वर्ड है, ता मुदबरा इसमें आती है, इसलिए राइहतुहा आया, हर स्मेल यानी इट्स स्मेल इज कबीहा वेरी बैड, कबीहा का मीनिंग असल में होता है अगली और इसका अपोजिट होता है जमीला ब्यूटीफुल, लेकिन आपको आपको बताया था उस वक्त भी कि ये ब्यूटीफुल और अगली वगैरह जो मीनिंग करते हैं ये तो उन चीज़ों के लिए करते हैं जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं और जो नज़र नहीं आती हैं उनको सिर्फ स्मेल किया जाता है, सूंघा जाता है, महसूस किया जाता है, उसके लिए आप कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से मीनिंग में थोड़ी चेंजिंग भी कर सकते हैं, सो मसला नहीं है, मतलब जमीला का मीनिंग आप गुड कर सकते हैं और कबीहा का मीनिंग बैड कर सकते हैं, ठीक है जी। सो तंजुरु अमल अलकाका हम लुक एट द केक लौनुल काका अस्वद द कलर ऑफ केक इज ब्लैक व राइहतुह कबीहा एंड इट्स स्मेल इज बैड एंड हर स्मेल इज बैड, अब मतलब क्या है, केक उसका जल गया, ठीक नहीं बना, अब वो घबरा जाती है, डर जाती है कि घर वालों से डांटना पड़े, तो क्या करती है, अमल तजरी इला गुरफतिहा, इसका मीनिंग क्या होगा? हाँ टू हर रूम, इला गुरफतिहा टू हर रूम, अमल रन्स टू हर रूम, अमल क्या करती है अपने कमरे में भाग जाती है, व तुगले कलबाब एंड शी क्लोजेस द डोर, वो क्या करती है, काम खराब हो गया ना किचन में, किचन में काम खराब हो गया, केक शेक जल गया, उसको कुछ समझ नहीं आई, तो डर के क्या करती है अपने कमरे में भाग जाती है, अमल तजरी इला गुरफतिहा, अमल रन टू द टू हर रूम, गुरफतिहा हर रूम, अपने कमरे में भागती है, व तुगले कलबाब एंड क्लोजेस द डोर, वो दरवाजा बंद कर लेती है। ये एक छोटी सी जनाब स्टोरी थी, ठीक है जी, इसको हमने जो है वो क्या किया, इसकी ट्रांसलेशन की, इसमें से क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, एक दो मैं फिर सारा जो है वो रिपीट कर दो, तो ट्रांसलेशन पैराग्राफ 7, इकरा रीड काकातुल जजर कैरेट केक, अमल तुहिबु अल हलवा, अमल लव द स्वीट्स लाइक द स्वीट्स, ये तश्तरी किताबन शी बाइज अ बुक, اسمه his name كيف تصنعين الطعام اللذيذ how will you make tasty food امل تفتح الكتاب امل opens the book وتقرا and she reads كعكة الجزر carrot cake ستصنع امل كعكة لذيذة امل will make a delicious cake هي تحضر she brings الدقيق والبيض والسكر والجزر والليمون flour eggs sugar carrot and lemon amal tazal kaaka fil furn amal puts the cake in the oven hiya tantaziru qalilan she waits for a little while wa taftahu al furn and she opens the oven tanzuru amal ila al kaaka amal look at the cake lawn al kaaka aswad color of cake is black wa raihatuha qabiha and her smell is very bad amal tajri ila ghurfatiha अमल रन टू हर रूम ठीक है जी तुगलिक अलबाब एंड शी क्लोजेस द डोर ठीक है जी तो इसको आप इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस क्या हुई है थर्ड पर्सन फीमेल की और सेकंड पर्सन फीमेल की ठीक है जी सिर्फ एक जो आया है ना तस्नाइना ये सेकंड पर्सन है बाकी सब थर्ड पर्सन फीमेल है ठीक है जी तो ये आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन फीमेल की यहाँ पर प्रैक्टिस हुई है और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी एग्जाम्पल के तौर पे आ सकते हैं कुछ ना कुछ तो आपको पता होना चाहिए जी पैराग्राफ 8 अंतिक ठीक है जी क्वेश्चन इसी तरह के आ सकते हैं मिसाल एग्जाम्पल मन तुहिब्बुल हलवा तो उसका आंसर होगा अमल तुहिब्बुल हलवा मादा तश्तरी वो क्या खरीदती है तो आप कह सकते हैं हिया तश्तरी किताबन तो इस तरह के आसान से होंगे मुश्किल नहीं होंगे
पैराग्राफ 8 जी अंतिक, अंतिक का मतलब क्या है जी, प्रोनाउंस करें जी। उन्जुर सूरा वंतिक कलमा कहते हैं लुक एट द पिक्चर एंड प्रोनाउंस द वर्ड, सेम उसी तरह का पैराग्राफ है जिस तरह का पैराग्राफ 6 आया था, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना जी, कहते हैं जी इसको प्रोनाउंस करें दाल एंड दाद, दाल एंड दाद को प्रोनाउंस करें जी। जी फर्स्ट है जी युहजारू, युहजारू क्या मीनिंग होगा युहजारू का, तो युहजारू का मीनिंग था शी ब्रिंग्स, और युहजारू का मीनिंग क्या हो जाएगा जी, ही ब्रिंग्स, युहजारू ही ब्रिंग्स, तो युहजारू शी ब्रिंग्स। असल में युहजारू का मतलब होता है पेश करना, हाजिर करना, ठीक है जी, उर्दू में कहते हैं ना हाजिर, तो ये उसी से हाजिर करना, पेश करना। इसलिए टेबल लगा हुआ है उसके ऊपर किसी चीज को सर्व करना भी युहजारू कह सकते हैं आप, सर्व करना भी युहजारू हो सकता है, और ब्रिंग भी शो युहजारू का मीनिंग हो सकता है। सो युहजारू आप ब्रिंग मर्स मीनिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। लेकिन फर्क ये होगा ऊपर मोरनस के लिए आया था तुहजारू शी ब्रिंग्स, ये तुहजारू, और युहजारू किसके लिए होगा, मुदक्कर के लिए ही ब्रिंग्स। ये नंबर टू जी दकीक, दकीक किसे बोलेंगे, फ्लावर, फ्लावर को, आटे को। नंबर थ्री जी बैज, बैज किसे बोलेंगे, एग्स, प्लूरल है अंडे, ज्यादा अंडे, ठीक है जी, बैजा तो वन एग, बैज एग्स अंडे। नंबर फोर बंदूकिया, गन, ठीक है जी, बंदूकिया गन। नंबर फाइव सज्जादा, कारपेट, असल में सज्जादा जाय नमाज को बोलते हैं बेसिकली, ठीक है जी, सज्जादा बेसिकली किसे कहते हैं, जाय नमाज को, मुसल्ला जाय नमाज उसको बोलते हैं सज्जादा। इस इंग्लिश में प्रेइंग मैट बोलेंगे, हाँ कह सकते हैं। अच्छा जी नंबर सिक्स अर्दुन, अर्द किसे बोलते हैं जी, लैंड, अर्द लैंड को, जमीन को। और इसमें तो आप देखें युहजारू में दाद है, दकीक में दाल है, बैद में दाद है, बंदुकिया में दाल है, सज्जादा में दाल है, और अर्द में दाद है। तो ये वही प्रैक्टिस जो पैराग्राफ सिक्स में थी, वही तकरीबन इधर है कि दाद एंड दाल की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है जी। तो ये एग्जाम में इस तरह का कुछ दाद दाल वाला क्वेश्चन आ सकता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दो पेजेस थे आज बुक के, वो हमने कम्प्लीट किए। सो अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी कन्फ्यूजन, देन यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह।